जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहां भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम, हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहां और आप हैं कहां लाए हैं आपको जनाब, फैल्कन ग्रामर स्कूल नॉर्थ कराची में, जहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बहुत कुछ बना डाला है। तो आए हैं यहाँ, इन बच्चों के दरमियान रहकर आज का दिन गुजारेंगे और देखेंगे इन्होंने क्या कुछ बनाया है और ये क्या सोचते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए किस तरह हम ले जा सकते हैं, वो क्या क्या तरीक़ेकार आजमाए हैं, ये सब कुछ जानेंगे और न सिर्फ उनसे करेंगे अपने सवाल, क्या ये दे पाएंगे जवाब। बच्चे बन गए से अच्छे प्यारे से बच्चे, फूल जैसे बच्चे, हमारे और आपके बच्चे, ये कौम के बच्चे, ये फ्यूचर के आने वाले मुस्तकबिल के बाद। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम को, बकायदा आगाज करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या क्या नाम है? समीन। समीन कौन सी क्लास में बेटा? 5 में आ गई? यस। कब आई? पिछले साल। कब तक रहने का प्लान है बेटे? अभी तो ये फाइनल है। अभी फाइनल है, इसके बाद 6 क्लास में चली जाएंगी आप। अरे माशाल्लाह, तो ये क्या कुछ बना डाला आप लोगों ने? सन वन निकल रहा है, मतलब है? ये सोलर इक्लिप्स है। सोलर, हाँ। इक्लिप्स में असल में मून सन का कवर अप कर लेता है, ठीक है, और फिर अर्थ पे ऐसा दिखाई देता है कि सन के ऊपर मून होता है। हाँ बताओ जरा, ऐसा भी होता है? बताओ, कितनी रोशनी हो जाती है और जहाँ ना हो तो बर्फ ही नहीं पिघलती है ना। यस, वेरी नाइस। ये सूरज कहाँ से निकलता है वैसे? सूरज, हाँ, कॉमन सेंस का सवाल है ये आपसे कर रहा हूँ मैं। हाँ, सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। मशीन जीनियस लोग का, बहुत प्यारे बच्चे। नहीं, निकलता कहाँ से यार, ये बताओ ना, सूरज निकलता कहाँ से? ये तो आपने बनाया, निकलता नहीं है। हाँ, फिर क्या क्या मतलब, फिर कहाँ से देखते हैं? अर्थ उसके सामने रिवॉल्व करती है। अर्थ उसके सामने रिवॉल्व करती है? Yes. नहीं करो, सही बताओ। सही बता, पूरे सेलों के साथ, चार्जिंग के साथ? Yes. खत्म तो नहीं होती? No. बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूं। क्या नाम है? मरियम अदी। मरियम, और आपका? हरम। हरम, अरे क्या बनाया आपने? सोलर एक्लिप्स। नहीं नहीं, ये क्या करता है भाई? Solar eclipse occur when the sun, moon and the earth are in one line with the moon between the sun and the earth. अरे माशाल्लाह, ये और आप बताएं इनके बारे में, इन्होंने तो सुना दिया सारा अपना, आप क्या कहेंगी? This only happens occasionally because the moon doesn't orbit in the same places as the sun and earth do. अरे वेरी नाइस यार, माशाल्लाह, इतना कुछ बच्चों को यार। और टीचर कौन है इसके जो पढ़ा रही हैं आजकल? मिस लुबना है। अरे माशाल्लाह, ये सब उन्होंने सब याद करवाया? सॉरी, मिस कहकिशा। नहीं, फाइनल कर लो। नहीं, अब तुमने लुबना बोल दिया, लुबना ही होगा भाई, है ना? मिस कहकशा है भाई, बच्चे घबरा देते, कोई बात नहीं। मिस लुबना हो या मिस कहकशा हो, मिस फातिमा हो, कोई भी हो, लेकिन मिस होती है। पहली गुण माँ की होती है, उसके बाद टीचर। अच्छा भाई, हाँ, तो ये बना। हाँ भाई, क्या हाल है बेटा? क्या नाम है? आयशा। आयशा, और आपका? नकिया। नकिया, अरे कितना प्यारा नाम है। नकिया किससे रखा भाई? पापा ने रखा। मम्मा ये ने क्यों नहीं रखा भाई? मम्मा का खाना पका रहती है आपकी। हाँ, ये सन कहाँ से निकलता है? आप लोग सोलर वोलर मून सब रख, आपका मून है तो हम आपसे करते हैं, मून कहाँ से निकलता है? हाँ, मून क्या होता है? ये हैंग हो गई है। हाँ, आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है? फातिमा। माशाल्लाह फातिमा, ये हैंग हो गई है बिल्कुल, म्यूट पे लगा दिया, ऐसा क्लास हो रही है ना इसलिए। वेरी नाइस। ये इनको ना मून बनाया है, ये मून कहाँ से निकलता है यार? नहीं पता। मून को नहीं पता मून कहाँ से निकलता है? सन का पता है? हाँ, पता, उसने तो बताया होगा मैं कहाँ से निकलता हूँ, मशीन से कह रहा था। तो मून ने मना कर दी थी बताने से, उसको व्हाट्सएप करना था ना, ईमेल कर दी थी उसको, नाराज हो गया था। ये बताओ जरा, कैसे मून और कैसे सितारे हैं नाराज? हैं, क्या कह रही हो? आपको पता, क्या पता इधर? हाँ जी, क्या पता? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, वो भी अर्थ के सामने रिवॉल्व करता है। हाँ, कितना जीनियस बच्चा। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में? 5। नहीं नहीं, ये आपको कैसे पता इतना कुछ? इतनी छोटी सी, अभी सब कुछ पता आपको? किसने याद कराया आपको इतना कुछ? किसी ने नहीं, खुद से? यस, खुद रिसर्च की थी, बुक देखी थी ना, बुक्स को पढ़ा। परफेक्ट हैं आप? Yes, तो sir. आप परफेक्ट थी तो परफेक्ट बन गई आप, है ना मिस्टर? Yes, आप परफेक्ट हैं तो आप परफेक्ट बना दें आपको। Yes, sir. Next two. अरे माशाल्लाह, और सब कंट्रोल में है आपकी काबीना, आपकी क्लास की? No. वैसे तो जो काबीना वो कंट्रोल में तो है नहीं वैसे? No, sir. है ना, आपकी काबीना कंट्रोल में? No, sir. क्यों, क्लास की काबीना कंट्रोल में नहीं है? No, sir. तुम परफेक्ट हो तो संभालती नहीं हो सबको? सुनता नहीं है, बड़े शरारती बच्चे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? I'm fine. कैसी हो? सही। कहाँ से हो, क्यों हो? कहाँ से हो बेटा? कौन सी क्लास से? थ्री में आ गई। और आप कौन सी क्लास में? आप भी थ्री में? सहेली है दोनों? कब से? जब छोटे से थे? वन क्लास से? नहीं यार माशाल्लाह, तो ये आज की अच्छी फ्रेंड नहीं?
क्या बनाया आपने ये किडनी विडनी टाइप कुछ फीलिंग आ रही है मतलब अस्सलाम वालेकुम दिस इज आवर साइंस प्रोजेक्ट इट इज किडनी किडनी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इट प्योरीफाइज एंड क्लीन लिक्विड फ्रॉम आवर बॉडी वाह 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 देखें नाज़रीन ये पानी जा रहा है किडनी में आप पानी कम पीते हैं फिर कहते हैं दर्द हो रहा है देखें जरा पानी चला गया आराम से जाए हाँ और ये चला गया पानी यार नहीं नहीं कितना ज़बरदस्त सिस्टम है यार अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसी हो बेटे क्या नाम है हमजा हमजा जियान कौन सी क्लास में हम 3D में क्या क्या बनाया हमजा हमने आज सोलर पैनल बनाया बहुत जरूरत है महंगाई बड़ी हो गई है ना जी 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 आप बताएं दी सोलर पैनल इज इन 3D मॉडल दिस मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस इन व्हिच वी नो अबाउट हाउ सोलर पैनल सोलर सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कैप्चर एंड कंबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी current and combine it with power from other electric solar cell produce electricity thank you very much bhai very taali bajane ke liye ek saal se sab kuch bola itna acha bola yaar dekhen aap koi bhi company ko hire kar sakti hai inko solar company ke bare mein sab pata hai dekhen aap zara solar panel lagana is tarah hota kare mashallah banwa bhi sakte hain inse are mashallah kya baat hai bhai champion bhai hamare pakistan bahut talented hai bas rasta nahi de rahe inko ha acha bhai ye main pooch raha tha ye solar ki baat hai suraj se silsila hai na ya moon se chalta hai ye सन से तभी तो सोलर बोलते हैं ना वेरी नाइस तो ये मुझे बताओ ये सन जो है ये कहाँ से निकलता है कॉमन सेंस क्वेश्चन बेटे ऊपर से निकलता है बहुत प्यारी बात की ऊपर हाँ हमजा तुम बताओ ईस्ट से निकलता है वेरी गुड जीनियस बच्चा है हाँ कहाँ से निकलता है बेटे नहीं निकलता कहाँ से हमजा ये बताओ यार बड़ी टेंशन है ये तो मुझे पता है कि वहाँ से ईस्ट से निकल रहा है निकलता कहाँ से ये शरारती कहेंगे दोपहर में आ जाएगा ऊपर टॉप पे हैं फिर खवातीन सन ब्लॉक लगा रही होंगी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं क्या नाम है हरीम क्या बनाया आज आपने मैंने ये बनाया मैं एक्सप्लेन इस पे करूंगी हाँ। और मेरी दोस्त और हम यहाँ खड़े हैं आप तो ये इसको कौन दे रहा है एक्सप्लेन ये क्या है भाई ये हाँ। ये है सिटी एंड विलेज हाँ ये अच्छी बात बोली हाँ बोलती रहो आप क्या है ये बताएं क्या काम करता है ये आयमा को पता चलो जिसका प्रोजेक्ट नहीं है इधर आओ बेटा यहाँ पर आओ मेरा बच्चा सामने आए आप यहाँ पे आ जाए हाँ जी बताएं जी बेटा क्या सीन है क्या हो रहा है यहाँ पर ये पूरा सोलर सिस्टम है ठीक है इसमें ये सारे प्लैनेट्स हैं हाँ हाँ कितने प्लैनेट्स हैं यार 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं यार ये तो बताओ मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न के और यूरेनस है नेपच्यून अच्छा हम कहाँ रहते हैं अर्थ और कौन सा पसंद आ रही जगह देखो वो अच्छी है वहाँ चले बहुत दिन होगा दुनिया में रहते हैं ना कोई नई जगह चलते हैं यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है ऐसा जहाँ जो हम लोग रह सके अच्छा क्योंकि वीनस बहुत ज्यादा हॉट होता है हाँ। और जुपिटर में बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं वाँ 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 वाँ। और मरकरी जो है सन के बहुत पास है इसलिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हाँ। और नेपच्यून और यूरेनस और ये क्या कर रही है ये दोनों सोलर सिस्टम अच्छा ये आपने यहाँ बना दिया है ना हाँ जी बताएं एक साल से ज्यादा नहीं चलती क्या चीज है वो है? कपड़े हाँ यार कपड़े कितना जरूरी है लेने ना इसका कपड़ों बगैर तो जिंदगी अधूरी है ना कपड़े बहुत जरूरी है हाँ आपके ख्याल में एक साल से ज्यादा नहीं चलते ये तो कह रही कपड़े हाँ मम्मा कपड़े दिलाएं ईद पे दिलाएं अब तो हर वक्त ही कपड़े दिलाते रहते हैं हमारे दौर में तो ईद पे आया करते थे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है क्या नाम है खदीजा अरे कौन सी क्लास में आप टू में आ गई वेरी गुड हो गया क्या बनाया हमने यार ये क्या है ये हनी बी बताओ जरा क्या करती है हनी बी एक क्वीन बी है हाँ हनी बी हाँ हाँ क्या करती क्या है ये शहद बनाती है हाँ अरे वेरी गुड हाँ जी आपने क्या बनाया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अरे माशाल्लाह क्या कहाँ है ये वाला है जी। क्या करता है ये मतलब रॉक से अस्सलाम वालेकुम आई एम अब्जरिया फ्रॉम क्लास क्या सामने देख के बोलेंगे माय प्रोजेक्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट द क्रस्ट द मेटल द आउटर कोर एंड द इनर कोर अर्थ कंपोज ऑफ मोस्टली रॉक्स एंड द अदर लेयर आर कंपोज मेटल एंड मिनरल्स थैंक यू सो मच यार वेरी गुड कितना बच्चा प्यारा बच्चा माशाल्लाह एक साल से सारा कुछ बता दिया समझ में आई नहीं आई आपको नहीं आएगी आप सोते रहे हाँ अच्छा हाँ भाई क्या ये पूछा था ये सन कहाँ से निकलता है यार पता है कुछ कहाँ से निकलता है सन नहीं पता सन कहाँ से निकलता है सन आई डोंट नो नहीं ये कैसी हो कहाँ हो किसकी हो यहाँ क्या कर रही हो तुम चलो थैंक यू बेटा वफा लेंगे वफा के बाद दोबारा खत्म होंगे प्रोग्राम हम और आप
वहीं और आप है वहाँ लाए हैं जनाब साइंस एग्जीबिशन में, फैल्कन ग्रामर स्कूल नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है और बहुत कुछ नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, बता रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। और ये छोटे बच्चों में इतना टैलेंट है तो सोचें बड़ों का टैलेंट फिर कहाँ पर होगा। तो ये छोटे से बड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं यार कोई मौका नहीं मिला, तो मौका मिल रहा है अवेल कर डालिए। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मुबशर है। माशाल्लाह। और आपका? अजहान। अजहान। और मेरा मोहम्मद शहीर फहद। कौन सी क्लास से हैं? 9B। 9B से? 9A से हैं आप? 8E। 8E से हैं? 8 और 9 मिला के काम चल रहा है? जी सर, मिला जुला के चल रहा है सिलसिला। माशा, तो काबीना स्ट्रॉन्ग है हमारी क्लास वाली, है ना? क्लास वाली है ना, वेरी नाइस। क्या बनाया आज हमने भाई? हम लोगों ने बनाया हाइड्रो पावर प्लांट। वेरी नाइस। क्या करता है ये? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ टर्बाइन। अरे वेरी गुड हो गया। तो आप प्लानी कहाँ, किसका, तीनों का आइडिया था? ये तीनों का आइडिया था। ये तीनों का आइडिया था। हमने अंडर शरारत थी, अंडर सुपरविजन हमने सर उसामा और सर शाहरुख। अरे सर शाहरुख और सर उसामा के लिए क्लैप करें फटाफट। वेरी गुड भाई, माशाल्लाह सर की मेहनत है, बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं। सर दी ग्रेट। अच्छा हाँ, तो ये फिर क्या करेगा यार? ये आम रूटीन में मिल जाएगा मार्केट में हमें? फिर ये आम मार्केट में आपको बनाना पड़ेगा, पंप तो मिल जाएगा। आप बना देंगे इंशाल्लाह? मतलब किसी को घर में सेटअप करना है, लाइट बहुत जा रही है जी, क्या करें? सर ये जो हमने बनाया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जी जी जी, वो मेनली इस पे काम करे कि ये जो वाटर गिर है इस पे टर्बाइन लगे, टर्बाइन से ये मूव करे और टर्बाइन से अंदर जो हमने घर है उस पे बिजली आ रही है। आ रही है आप? नहीं नहीं। हाँ यार वेरी गुड। बस फिर के इलेक्ट्रिक की छुट्टी करे भी, इसका मतलब है ना के इलेक्ट्रिक वाले तभी तो नहीं चाह रहे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा यार अगर तुम आ गए। माशाल्लाह वेरी गुड यार। हाँ जी, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में यार? हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या सोचा क्या है वैसे? ए और बी प्लान दोनों बताओ। आगे तरक्की दिलवाएंगे हैं, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाएंगे, बहुत जरूरी है ना। ये देखें यहाँ जब होते हैं तो हम बड़ी ख्वाहिशात होती है, अल्लाह ताला बहुत आपको कामयाब करे। मैं पूछ रहा था सन जो है, देखा है आपने? कब देखा था पहली दफा? अभी भी देखा है ना। कैसा है ये, क्या काम करता है ये? सन की भी एनर्जी होती है अपनी, सन की भी एनर्जी होती है ना। कहाँ से निकलता है ये? मशरिक से निकलता है। सही बात बोली। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन का मैं पूछा सन कहाँ से निकलता है? सर सन अपनी जगह पे रहता है, लेकिन हाँ, जो दुनिया है उसके रोटेट करती है। जीनियस यार, वेरी गुड। सही कह रहा है ये, वो सही कह रहा है बंदा, दोनों सही कह रहे हैं ना। आपकी राय क्या है इस बारे में? इख्तलाफ करते हैं इनकी बात पर? हाँ सही कहता है, न्यूज़ चैनल है ना इसलिए ऐसी बात करने के लिए। हाँ इख्तलाफ करेंगे इनसे? इख्तलाफ करेंगे किसकी? इनसे पे इख्तलाफ है? दोनों पे क्यों भाई? ये तो इख्तलाफ कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बिल्कुल अजीब। आपकी राय क्या है इस बारे में? अर्थ घूम रहा है और सन एक जगह पर है। ये घूमे जा रहा है खत्म, मतलब क्या चक्कर के? कौन सी बैटरी लगी है जो घूमे जा रहा है? रेवोल्यूशन है रूटीन अल्लाह ताला की तरफ से है ना। और वो क्या चीज है साल भर से ज्यादा नहीं चलती? वो चीज है एक साल से ज्यादा नहीं चलती। मैं भी वो छोटे बच्चों से पूछा था, वो बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे थे माशाल्लाह। अरे कपड़े नहीं चलते बताओ। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? जुहेर। जुहेर। उमर। उमर। अरे माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र पाई तुमने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? क्या नाम है? अब्दुल। मुजम्मिल। अब मुजम्मिल याजिद। कहाँ से हो बेटे? कौन सी क्लास से हो? नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ के लग रहे हैं मुझे, आप गलती से आ गए ना। चक्कर क्या है ये, क्या राज क्या होता है ये, छोटे में इतना आगे निकल जाते हैं छोटा पैक। माशाल्लाह वेरी गुड यार। हाँ जी, क्या बनाया हमने ये? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ मॉडल बनाया है विंडमिल का। क्या बनाया? विंडमिल। अच्छा ठीक है। ये ज्यादातर फील्ड्स में यूज होता है, ये क्या कहते हैं, एनर्जी विंड के थ्रू आती है यहाँ। ठीक है। अब जब ये रोटेट होता है तो इसके पीछे एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये एनर्जी इसके अंदर थ्रू वायर के थ्रू जनरेटर में जा रहे हैं। ओके। अब जनरेटर में एनर्जी स्टोर हो रही है जिसकी वजह से जनरेटर इसकी सप्लाई कर रहा है। जनरेटर आपको अच्छा खामोश है जी। कैनोपी लगाई जाती है ना। अब यहाँ पे स्टोर हो गई एनर्जी, अब ये प्रोवाइड करेगा घर को इलेक्ट्रिसिटी। यार लाइट आ गई जी, लाइट आ गई। कितनी अच्छी खुशी होती है जब लाइट जाती है, तो एक अलग खुशी होती है, आती है तो एक अलग खुशी होती है। अच्छा लाइट जाती है तो क्या मुँह से निकलता है? कुछ कुछ तो लाइट चली, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर। और जब आती तो क्या होता है? शुक्र है आ गई है ना। तो आपने सिस्टम बना लिया जी, तो आपके इलेक्ट्रिक मीटर निकालने वाले मुझे लग रहा है ना, सारे मिलकर निकालेंगे और ये लगवा लेंगे। तो किस हद तक कामयाब है ये? वर्किंग मॉडल है ये, बाहर ममालिक में असल में भी यूज़ है, पाकिस्तान में इनफैक्ट यूज़ होता है ये। ठीक है। इसके लिए बस हमें बहुत एक जगह चाहिए जहाँ पे फील्ड्स हों और इसके लिए विंड बहुत तेज़ होनी चाहिए। अच्छा हाँ बता रहे, तो इसको हाइट देते हैं तो विंडी विंड फिर तो जी, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, स्केल मॉडल है ये, तो खैर जी जी, इसकी वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और किसका आइडिया था ये सारा का सारा? ये हम सबका है, ये सबका है जी, सबकी मिली भगत अंडर सुपरविजन है सर शाहरुख एंड सर शाहरुख। अरे यार इनसे बात करनी पड़ेगी, बड़ा नाम आ रहा है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो इस सर ने कहा कि यार हमने इस पे काम जी, तो यानी सब मिलकर मुझे लग रहा है मीटर निकाल के ये लगाओगे तो सर समेत, क्योंकि सर का आइडिया मतलब यार कमाल, वेरी नाइस हो गया माशाल्लाह। मैं पूछ रहा था सन जो है कहाँ से निकलता है?
सन तो अपनी जगह पे रहता है, वर्ल्ड ही घूमता है पक्का। एक साल से ज्यादा नहीं चलती, वो क्या चीज है, क्या चीज है यार? साल, एक साल, हाँ एक साल से ज्यादा नहीं चलती वो चीज आपके ख्याल में भाई, एक साल से ज्यादा नहीं चलती, क्या चीज है जो एक साल से ज्यादा नहीं चलती? चीज है वो, चीज है, हाँ चीज है वो, चीज एक साल नहीं चलती। हाँ क्या करना है जिंदगी में भाई हमने? जिंदगी में हाँ कामयाब होना है, कामयाब होना है। और कामयाब कैसे होते हैं, क्या तरीका है हमारे पास? ऐसी चीजें बना कर, ऐसी चीजें बनाए, है ना? चलो यार माशाल्लाह, तो आप भी इसमें शामिल थे जी हाँ। तो सामान वामान अरेंज करना, सब चीजें अरेंज करने में सब एक एक यूनिटी थी। और अच्छे फ्रेंड कहाँ मिलते हैं? अच्छे फ्रेंड स्कूल में ही होते हैं, स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट स्कूल लाइफ, उसके बाद फिर उधर हो जाते हैं। थैंक यू बेटा, जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, इन्होंने सिलसिला रखा वाटर प्योरीफिकेशन मॉडल रखा हुआ है, पानी साफ करने वाली मशीन, सॉरी बेसिकली पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए जो पुराने दौर में चलता था, आज भी बहुत से। हाँ भाई क्या है बेटे, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर कितना प्यारा नाम, किसे रखा तुम्हारा यार? पता ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया, पूछा तो था ना, अबू ने रखा, अम्मी ने रखा, मतलब है ना, है ना, अम्मी ने रखा होगा, जाहिर सी बात है अम्मी अबू का बेटा हूँ तो जाहिर है उन्होंने रखा होगा। क्या कर रहे हैं आप, दिखाएं जरा मुझे क्या हो रहा है, ये देखे जरा, बड़े बड़े पत्थरों में जा रहा है पानी, ओए हो, फिर कलर फुल पत्थरों में जाएगा पानी, फिर रेत से हुआ अच्छा ना, फिर अच्छा यहाँ से, ओए होए होए होए, जबरदस्त यार पानी, ये तो आपने आबशार वो चश्मे वाला फील दे दिया आपने, है ना? क्या हुआ, क्या है, क्या ये क्या करता है बताएं? वाटर प्योरीफिकेशन है, इसमें पत्थर से आता है, पेबल्स में आता है, सैंड में आता है, कॉटन से आके साफ हो गया, साफ होता है फिर पी लेते हैं मतलब इसको, हाँ मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है पानी। कितना अच्छा आइडिया यार, जबरदस्त, क्लैप करो इनके लिए, वेरी नाइस यार माशाल्लाह, सबका प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त है। अच्छा हाँ भाई, ये क्या है जो एक साल से ज्यादा नहीं चलता बेटा, क्या चीज है जो एक साल से ज्यादा नहीं चलती? एक साल से ज्यादा क्या नहीं चलता है यार? सन कहाँ से निकलता है पुत्र बताओ? ईस्ट से निकलता है, सही बताओ, ईस्ट से निकलता है। हाँ बेट, अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा, इधर क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद जयान। मोहम्मद जयान, क्या बनाया हमने आज? मैंने बनाया एक 4-channel रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल। अच्छा क्या करेगा ये? जी ये करेगा, जैसे पहला ये होता था कि हम लोग कोई दूसरे कमरे में लाइट कम करने आने तो हम लोग वहाँ जाके करेंगे। इसका ये फायदा है कि हम लोग वहीं बैठे बैठे इस बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो चीज ऑन ऑफ हो जाएगी इस रिमोट से। अरे अरे जबरदस्त यार, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरे बाबा का था। बाबा तो सी ग्रेट माशाल्लाह, बाबा मम्मा का आइडिया, वेरी नाइस। तो यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया बनाया आपने, मतलब आपको कहीं जाने जरूरत नहीं, बटन ऑन करने जरूरत नहीं है, है ना? और ये उनके लिए भी अच्छा है जो मतलब चल फिर नहीं सकते उनके लिए लाइट ऊपर है ना। देखिए कितने अच्छा है यार, कोई माजूर अफराद के लिए भी कितना अच्छा कर ये आइडिया, कोई बड़ी कंपनी इसको हायर कर ले बच्चे को तो ये मुल्कपति कहाँ से कहाँ चला जाए, ऐसा ही है ना? कौन सी क्लास में आप? 3D। और आपकी टीचर कौन है? मिस रूमा। अरे तालियां बजाओ मिस रूमा के लिए, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा तो ये उनका आइडिया था सारा, ये मैं पूछ रहा था, ये सवाल जो था कि वो क्या चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती यार, कोई ऐसी चीज़ जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती? एक चीज़ ऐसी है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, बड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं उसको, एक साल से ज़्यादा नहीं चलती। सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, निकलता कहाँ से? निकलता हाँ सूरज नहीं, वो सन नहीं निकलता, हमारी अर्थ जो है ना वो सन के पास जाती है घूमने। अरे वेरी नाइस यार, तालियां बजाओ, कितनी अच्छी बात बोली, थैंक यू बेटा, जज़ाकअल्लाह। आइए सर शाहरुख और सर ओसामा हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी थोड़ी पहले आपने प्रोजेक्ट देखा, ये पूरी टीम और इनके मेंबर्स ये सारी एक यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह बच्चे आपके बड़े रॉकेट की तरह आगे जा रहे हैं, कि चक्कर किया क्या कर डाला आपने, इतना प्यारी चीज बनाई उन्होंने आपके बच्चों की अपनी IQ लेवल्स और इंटेलिजेंस से जिस पर उन्होंने काम किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। क्या बात है सर, आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स हमारे बहुत कैपेबल हैं और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत कैपेबल हैं, ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम इन्हें प्लेटफॉर्म सप्लाई करते रहेंगे, अप्लाई देते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल करेगा। करेगा यार क्या बात है माशाल्लाह। सर क्या आपको लग रहा है, सब क्या हालात वाकयात हैं जिंदगी में, क्या प्लान है और क्या सोचते हैं और क्या पाते हैं हम? कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान आगे से आगे बढ़े, और काम भी चल रहा है उस पर, हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ने रखा। बहुत बढ़िया सर, मैं ऐसे बच्चों से पूछा था, आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। सर मैं पूछा था वो क्या चीज़ है, जस्ट फॉर द हैपनिंग जी, ठीक है, वो क्या चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चल पाती, वो बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उसके बाद एक साल बाद वो एक्सपायर हो जाती है वो चीज़। सर आप मेहनत से बनाते हैं? हाँ बड़ी अच्छे बनाते हैं उसको, तैयार करते हैं, फिर पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, दफातर में इस्तेमाल करते हैं, घरों में तो कमी हो गया इस चीज़ का।
कैलेंडर जीनियस सर, ये जो सर होते हैं ना बड़े काम के होते हैं, अगर बच्चे सर की बात गौर से सुन ले तो कहाँ से कहाँ निकल जाए। जा रहे हैं सर, निकल नहीं जाए, निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह ताला खुश रखे आप दोनों को। क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद माशाल्लाह। अली अहमद कौन सी क्लास में बेटा? 9 9 में आ गए। क्या प्रोजेक्ट किया हमने? ये हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया, कैसे बनाया भाई? ये बेसिकली हमने पानी गिरने से पानी गिरने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हो रहा है जी। तो घर में लग सकता आसान है? नहीं, घर में तो मुश्किल है। घर में मुश्किल है तो बड़े पैमाने पे कर सकते हैं ना। क्या चीज़ है यार ये सन जो है, निकलता कहाँ से यार? सन मशरक से निकलता। मशरक से निकलता, जाता कहाँ पर है? मगरिब में। मगरिब में। ये क्या चीज़ है जो एक साल से ज्यादा नहीं चलती यार? साल जीनियस सिक्स साल है क्या? काफी करीब हो आप, एक्टिव है यार बच्चा माशाल्लाह। हाँ साल हाँ, क्या चीज क्या है वो साल? हाँ, एक चीज है जो एक साल से ज्यादा नहीं चलती। साल ही नहीं चलता है, साल ही चलता है ना, एक साल चलता ही नहीं। एक साल से ज्यादा कुछ चलता है आज के दौर में? हमारी कुछ चीज चलती है साल से ज्यादा? क्या चलता है साल से ज्यादा, क्या चीज चलती है आजकल? हमारी चलती है, उम्र चलती है ना। ये बाकी एक चीज है जो उम्र के बाकी सब खरीदना पड़ता है ना। कौन सा स्टोर है, कौन सा स्टोर है जहाँ तकरीबन हर चीज मुफ्त मिलती है? ऐसा कोई स्टोरी नहीं, नहीं है यार, यूटिलिटी स्टोर होगा। यूटिलिटी स्टोर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो जनाब। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा दर खिदमत होंगे। कहीं मत जाएगा, अगर जा रहे हैं तो जल्दी से घूम करके आएगा। सवाल जो मैंने किए हैं, कोशिश कीजिए आप अपने जहन को इस्तेमाल करने की। इससे कॉमन सेंस आई क्यू क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज में इजाफा करते रहिए। जब तक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद दोबारा आते हैं तो फिर हम यहाँ के CEO हैं, उनसे मिले मुलाकात करेंगे अहमद साहब, और उनसे जानेंगे क्योंकि फैल्कन ग्रामर स्कूल के वो CEO हैं, तो जाहिर उनसे भी अपनी ज़बानी सुनेंगे उनकी क्या सोच, क्या उमंग थी और आज वो कहाँ मौजूद हैं। वफ़ा हमें यहाँ और आप वहाँ लाए हैं, कहाँ जनाब? हम हैं मौजूद नॉर्थ कराची में, वाक़ है फैल्कन ग्रामर स्कूल। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैसियत रखते हैं CEO की। क्या सफ़र था, क्या सोच थी, क्या उमंग थी, और आज कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, अपने बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, खैरियत से ठीक हैं सर? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बच्चे आपके बड़े इंटेलिजेंट हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सफर कहाँ शुरू किया था और कहाँ हैं अब आप? ये स्कूल 1984 में बनाया गया था भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कराची में खाली 14 कैंपसेस हैं माशाल्लाह, बाकी हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला हर जगह पर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, स्कूलिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बच्चे की पूरी करेक्टर बिल्डिंग भी होती है। होलिस्टिक अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स भी हैं, सोशल इवेंट्स भी हैं, साइंस एग्जीबिशंस भी हैं, तो जी। बच्चों की क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए ना इस तरह के इवेंट बड़े ज़रूरी होते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स करें जिससे बच्चों को के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो, एक्सपेरिमेंट करने का, रिसर्च करने का जज्बा पैदा हो, और वो डेमोंस्ट्रेट कर सकें। क्योंकि देखें, आप भी जिस जो काम कर रहे हैं या जो और इस वक्त तो करंट सिनेरियो है, इसके अंदर बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स बहुत जरूरी है सर, ऐसे ही। वो बात कब करेंगे? जब उनके पास वर्ड्स होंगे। वर्ड्स कब होंगे? जब वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे। एग्री, एग्री, जब तक डेमोंस्ट्रेट नहीं करेंगे, वर्ड्स नहीं होंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस ही बनेंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। जब बात नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे ना, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के इवेंट बहुत जरूरी है, ग्रास रूट लेवल पर जरूरी है। इसलिए स्कूलिंग में गौर करें, क्लास वन के बच्चे भी हैं, क्लास टू के बच्चे भी हैं, ऑल्दो वी ऑल नो कि इनमें से आधा काम इनके पेरेंट्स ने किया होगा, जी जी जी, मगर एटलीस्ट इनके अंदर एक जज्बा तो पैदा हुआ सही कुछ करने का सही। कि हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे, हम खड़े होंगे, तो बच्चों की एफर्ट्स हैं। और अगर आप गर्ल्स सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि यूजली देखा गया है कि बॉयज थोड़े से ना तकरीबकार होते हैं और गर्ल्स थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं। अगर आप गर्ल्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा, आपको इसकी और रिफाइंड फॉर्म मिलेगी इसी तरह की चीज। इंशाल्लाह सर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे बच्चों को और आने वाले बच्चे स्पेशल, और वो वालदैन जो कहीं कहीं मसरूफ हैं और बच्चे लाद दिए जाते हैं टीचर साजा स्कूल्स पे कि शायद ये कुछ बना के भेज देंगे? माजरत के साथ मुझे बात करनी पड़ती है, लोग बहुत ज्यादा मसरूफ है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, पेरेंट्स ये समझते हैं बहुत सारे कि उन्होंने स्कूल को बच्चा छोड़ दिया, उनकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म। जी जी, ऐसा नहीं होता। बच्चा हमारे पास 5 घंटे रहता है, ठीक है, 6 घंटे रहता है, बाकी 16-17-18 घंटे वो घर पे होता है, ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग हम एफर्ट्स करते हैं, मगर उसकी प्रैक्टिस घर पे जाके होती है। एग्री, एग्री। हम बच्चे को गाइडलाइन दे सकते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस कराना पेरेंट्स का काम होता है। और मेरे ख्याल में अच्छे स्कूल में, अच्छे इदारे में पढ़ने की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो यही है कि एक बच्चा अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बनकर निकलता है। क्या बात है, क्या बात। और उसमें लीडरशिप स्किल्स आती हैं, पर्सनल सेलिंग स्किल्स आती हैं, क्वालिटीज डेवलप होती है। सिर्फ किताबें पढ़ के रट के वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत जरूरी है। तो दोनों का मिलाप तो बच्चा exactly, फिर कामयाब। ब्लेंड अगर हो
करेक्टर बिल्डिंग का और एकेडमिक्स का, तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। क्या बात है, क्या बात। सर बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपके मकसद में बहुत आगे रखे जाए। थैंक यू सोना से भी जजाकल्लाह सर, हमेशा हमारे साथ मौजूद थे। वैसे हम अपनी जबानी जानी और ये सोच विचार बहुत ज़रूरी है कि भाई ज़रूरी है कि वालदे जब वाकई 5-6 घंटे बच्चा यहाँ होता है, उसके बाद फिर बच्चा घर में होता है, उसके बाद फिर आपके पास होता है, तो बच्चे पर बड़ा फोकस करेंगे, तो जब आप बिल्डिंग को अच्छे तरीके से तामीर करेंगे तो वो बिल्डिंग कामयाबी के साथ आगे जाएगी। चलते मज़ी लोगों से बातचीत करते हैं। मिस मदिया हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल की हैसियत रखती हैं, फैलगन ग्रामर स्कूल का हिस्सा है, और जानेंगे इनकी अपनी ज़बानी, जब इनका अपना कैरियर शुरू किया था, ये बच्चे क्या फैमिलीज माइंडसेट क्या था और अब क्या सेट है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बच्चे आपके, मैं देख रहा हूँ कि रॉकेट की तरह आसमान पर जा रहे हैं, कि आप लोगों की मेहनत है माशाल्लाह। मुझे बताएं आज के दौर में आप क्या, आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया था उस वक्त का जो हालात थे और अब के जो मौजूदा हालात हैं बच्चों के और पेरेंट्स के, वो कहाँ रुकते हैं आके? अभी व्हाट यू सी इज दैट कि आपके बिल्कुल पीछे आप देखें बिल्कुल छोटे 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 बच्चे खड़े हैं, तो ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है आई बिलीव, कि एक टाइम पे सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, अब तो आपके पास जूनियर स्टूडेंट्स, जो कि अभी आप कह रहे थे कि फ्यूचर और रॉकेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो बिल्कुल, तो ये जो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह जो अभी इस स्टेज से क्लास 1 के स्टूडेंट्स जब साइंस एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग द प्रेजेंटेशन एज वेल, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन, तो आई बिलीव कि जब ये ग्रेड 10th तक आएंगे तो ये तो फिर जाहिर सी बात है माशाल्लाह हमारे यंग साइंटिस्ट ही होंगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव, और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग फॉर दैट। तो हम लोग इस तरह के इवेंट्स करवाते रहना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, और अब पढ़ गए ऐसे एग्जीबिशन को क्या पैगाम देंगे आप आज के दौर में 24 के वालिदैन को क्या कहेंगे आप, जरा मैं चाह रहा हूं। देखिए या माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स इज दैट कि प्लीज अपने बच्चों को पार्टिसिपेट भी करवाइए, और अप्रिशिएट करने के साथ साथ बी अ पार्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, सिर्फ उनको इस चीज में इन्वॉल्व करके, मतलब उनको सिर्फ शाबाश दे देना या अप्रिशिएट कर देना इज नॉट इनफ, क्योंकि आपने उसको किसी किसी चीज पर रिवॉर्ड सही है, लेकिन अब यूजुअली ये वो एक्टिविटीज होती है स्कूल के प्लेटफॉर्म की जिसमें आपकी अपनी एक्टिव जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बच्चे को बहुत ग्रूम कर रही होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से जो आगे जाता है ना, वो आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हम लोगों में से हम वही उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं जो आज आपके सामने इस काबिल हुए कि इस जगह पे खड़े हो, जिनके पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व थे क्या बात एक्टिविटीज में, और हर तरह की एक्टिविटीज, नॉट ओनली दिस, हम रीडिंग क्लब होता है, एग्जीबिशन होते हैं, डेक्लेमेशन होते हैं, ड्रामेटिक्स होता है, तो सबके अंदर आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि बच्चा, जरूरी नहीं है कि हर एक का बच्चा साइंस एग्जीबिशन में इंटरेस्ट ले, देयर मेनी किड्स हु आर मोर इंटरेस्टेड इन ड्रामेटिक्स या स्पोर्ट्स के अंदर है, तो जस्ट लेट देम बी एक्टिव इन वट एवर यू नो फील्ड दे आर एंड दे वॉन्ट टू बी एक्टिव, और वाकई हमें सोच को बहुत आज़ाद करना है, बच्चों को थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा तो आइए चलते हैं मजीद बच्चों से मजीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, क्या नाम है? रेहान। रेहान मुदस्से, माशाल्लाह। लैपटॉप पेन कलम क्या चक्कर क्या है जी? यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। नहीं करो, एक सेकंड, कौन सी क्लास के आप? 9th क्लास के लड़कों ने वेबसाइट बनाई है? दो वेबसाइट बनाई है, एक गेम बनाया और एक, नहीं करो यार माशाल्लाह, अच्छा वेरी गुड, क्या है यार? हाँ आरिज, क्या बनाया भाई, हमने कैसे वेबसाइट बनाई, क्या काम कर रही है? फैल्कन हाउस हमारे स्कूल का स्टूडेंट पोर्टल है जी, और इसके शुरू में डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक, और वेलकम टू फैल्कन ग्रामर स्कूल पोर्टल बनाया आपने, तो ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ये ओवरऑल सबके लिए? स्टूडेंट और वो क्या कहते हैं एडमिन के लिए, टीचर्स, ये बताओ। इसमें अभी हमने सिर्फ मॉड्यूल बनाया क्योंकि स्कूल वालों ने हमें इजाज़त नहीं दी थी, ठीक है, पूरा बनाने के लिए उसमें टाइम भी लगता था, तो बस सर अहमद से बात करते हैं, सर अहमद से बात कर रहे हैं ना, कि बच्चों को इस्तेमाल करें, ये तो बच्चे टैलेंटेड है माशाल्लाह जी। अच्छा हाँ, हमने अभी सिर्फ ये पोर्टल बनाई है, इसमें स्कूल के बारे में इसमें है क्या क्या, वैसे बता दो मुझे आप। इसमें अभी ये स्टूडेंट लॉगिन है, इसको लॉगिन करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट के बारे में हमारी सारी एक्सेस आएगी कि हमारा नाम क्या है, अगर हम अपने उससे स्टूडेंट के उससे लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल से, अगर स्टूडेंट करता है जी तो हमारा नाम है। इसमें क्या क्या फायदा क्या मिलेगा स्टूडेंट को? इसमें पूरा डेटाबेस आ सकता है, समझिए, अगर हम इसमें, अभी ये सिर्फ मॉड्यूल है, अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे पूरा डेटाबेस आएगा, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी स्कूल की। और टीचर के लिए क्या फायदेमंद होगा? टीचर के लिए फायदेमंद होगा, वो ऑनलाइन बैठ के इसी वेबसाइट पे आके स्टूडेंट के बारे में कोई भी, मतलब उनकी प्रोफाइल में जाके कोई होमवर्क दे सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, वेरी गुड यार, एक्सेस कर सकते हैं उनका यूजर नेम वगैरह सारी चीजें, और पेरेंट्स भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं, हमारा बच्चा क्या कारनामे अंजाम दे रहा है, वो भी अभी जीनियस यार माशाल्लाह। और ये आइडिया आप तीनों का था सर को मिला के जी? सर कहाँ हैं? सर नहीं, सर सर इधर आए ना सर, आप छुप के वहाँ शर्मा रहे हैं सर, यहाँ प्लीज बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सर, खैरियत से? सर ये आइडिया बड़ा अच्छा है, और ये आइडिया हमारा इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये कब होगा?
सर बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं ठीक है, जैसे अभी इनिशियल स्टेज है बच्चों का, इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं जैसे गर्ड्स हैं इनमें इंशाल्लाह ये इससे भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह ठीक है। तो इनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से अवेल किया है, बहुत अच्छे से अवेल किया है, जितनी तारीफ की जाए इनकी काम ठीक है। इसी तरीके से इनको अप्रिशिएट जी बिल्कुल, 9 क्लास के बच्चे जिसमें हम सिंध बोर्ड में जितना एसटीएम इन्होंने पढ़ाया वो सब इन्होंने अप्लाई कर दिया है, मतलब ज्यादा कर दिया होगा उन्होंने जी जी, सिंध बोर्ड में इतना नहीं होगा ये है उतना ही सिंध बोर्ड में है इतना, तो उससे ज्यादा इन्होंने गेमिंग वगैरह भी इन्होंने सीख लिया क्योंकि एक्स्ट्रा स्किल्स हैं बच्चों के अंदर, नॉलेज आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से आईटी में लोग आगे जा रहे हैं जी जी जी, तो इस हवाले से लोग बच्चों में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए जो है वो बच्चे आईटी की तरफ ज्यादा मूव होना चाह रहे हैं। तो जितना इनको बढ़ाया गया क्लास के अंदर उन्होंने उससे आगे भी घर पे जाके होमवर्क किया, असाइनमेंट्स इन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस जाके बहुत सारी चीजें, कराची के स्कूलों में ये चीजों का रुझान है बच्चों में आपको लगता है? सर जिस तरीके से आईटी की फील्ड ग्रो कर रही है या हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है ना बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान में भी अब इस तरफ रुझान बढ़ने लगा है, और जो तो इस वक्त आ गया वो कामयाब हो जाएगा बेशक बेशक सर, कामयाबी तो सर इंसान के अंदर है, जितने गट्स उसमें होंगे वो सर। नहीं आपका माशाल्लाह सरपरस्ती में बच्चे परवान चढ़ रहे हैं और आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव इमेज के साथ आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सर हमारी सिर्फ कोशिश है कि हम अपना हक अदा कर सकें, जो टीचर्स का हक होता है, बाकी बच्चे जो है वो मेहनत करें। अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको, आपकी सोच को और इन बच्चों को बहुत आगे लेके जाए। भैया ये सन कहाँ से निकल रहा है आजकल? ये निकलता है मशरिक से, मशरिक से और मगरिब होता है मगरिब में, मगरिब में। हाँ जी कहाँ से निकलता है? यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, मशरिक से निकलता है और मगरिब में गिर जाता है। सन गिरता भी है, बड़े पहुंचे हुए लड़के माशाल्लाह। और कौन सा स्टोर है, क्योंकि आपने ये काम किया है, अब आपसे रिलेटेड एक सवाल कर लें, वो कौन सा स्टोर है जहाँ ज्यादातर चीजें मुफ्त मिलती हैं? है स्टोर है? नहीं नहीं यार वहाँ भी वो अम्मी की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकता। हाँ एक स्टोर है, मैं पूरा वर्ड, ये वर्ड अधूरा है ठीक है, लेकिन आपने कंप्यूटर का काम किया है तो उससे रिलेटेड ही है वो, और हम अक्सर बेचते हैं उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं, यकीन आपने बनाने में उसकी हेल्प ली होगी। वो कौन सा स्टोर है जहाँ अक्सर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं? हैं वेरी नाइस, वहाँ पहुँच गया भाई, प्ले स्टोर है जहाँ पे ज़्यादातर अक्सर चीज़ें मुफ्त मिल जाती हैं। वो क्या है? जितना अच्छा हो एक साल से ज़्यादा नहीं चलता, एक साल से ज़्यादा चलते हैं। 30-31 दिसंबर की कहानी ख़त्म साल। हाँ वो चीज़ क्या है? कैलेंडर। ये लड़का बहुत शरारती है, क्या नाम है आपका? रेहान। माशाल्लाह भाई देखें, बात ये है कि सोचे भी रहे, ये कुछ ज़्यादा सोच रहे, क्योंकि जब मैं इन दोनों के पास होता हूँ तो ये बेचारे घबरा जाते हैं कि अचानक से माइक आ जाता है, लेकिन उतनी देर में ये सोच चुके होते हैं। तो बात ये है कि सोच के हर कोई जवाब दे सकता है, अब अचानक से माइक देंगे अच्छा वाला बंदा घबरा जाता है, तो सोचना समझना जवाब देना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह ताला, बहुत कामयाब करें। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं सर। सर का नाम क्या था? सर हसन। सर हसन। और सर हसन के ज़रिए निगरानी जो है, ये बच्चे फैल्कन स्कूल का हिस्सा हैं और माशाल्लाह सर जो है इन पर अपनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे उसको और अच्छे से जो है वो पॉलिश भी करवा के आगे तक लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को, तमाम हमारे पाकिस्तानी बच्चों को बहुत कामयाब करे। बहुत सोच है, बहुत उमंगे हैं, बहुत जस्तजू है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं हमारे टीचर भी कि भाई बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे प्रोग्राम हम और आप। My name is Marwa Mehboob. I am from class 1D. My project is about transformation. Oye, oye, kamal ho gaya ye. Kar kya raha hai yaar ye? When water vapor turns into droplet and these droplets flow together in air to form cloud and that's how we get rain. Thank you. Thank you very much. Ma, kamal ho gaya bhai, ye to badi achhi cheez bana di. Aur idea kiska tha by the way? Aapka tha, miska tha, ammi ka tha, abbu ka tha, tha kaun? Isme mulawis kaun tha? हमने टीचर एंड मी और आप दोनों ने मिलकर और स्टूडेंट में, अच्छा सब ने मिलकर बना दिया। अरे वेरी नाइस। ये सन कहाँ से निकलता है? रेन से निकलता है, बारिशों से। ओके हाँ सुबह सुबह निकलता है, नहा के जाना फ्रेश होकर जाना अच्छा लगता है, तो सन जो है वो नहा के निकलता है ऐसे निकलता है, वेरी नाइस। अच्छा मैं पूछा था वो कौन सा स्टोर है जहाँ हर चीज़ मुफ्त मिलती है, फ्री मिलती है, बताओ ज़रा, पैसे भी नहीं देने, ज़्यादातर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं वहाँ पे? पानी। पानी मिलता है, पानी बड़ी नेबत अच्छी है। थैंक यू बड़े, जज़ाकअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो भाई, पानी बहुत अच्छी चीज़ है, पीते रहें, ज़रा फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्ला जमान। पाक से ताल्लुक तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। अच्छा फिर ठीक है, क्या नाम है? सोहेब देवान। आप हैं?
सुहेब जवान, सुहेब दीवान, दीवान दोनों नून पे खत्म हो रहे हैं। वाह यार ये तो बड़ा अच्छा। कौन सी क्लास से हैं? 10th में। क्या बनाया यार हमने? ये वोल्केनिक इरप्शन बनाया हमने। ठीक है, ये आइडिया किसका था? ये मेरा। आपका ये खतरनाक आइडिया आपके। तभी वो टीचर आपके सही कहते हैं अमर साहब कि बच्चे बड़े खतरनाक आइडिया लेकर आए इस बार हैं। माशाल्लाह तो सही चल रहा है अभी? तो सही चल रहा है अभी? सही चल रहा है, काम कर रहा है यानी कि, है ना? अच्छा कौन सी क्लास में? हम 10th मैट्रिक में आ गए। आप भी मैट्रिक में आ गए? खुद आए थे? कोई लेकर आया था? खुद आए थे। तो अम्मी अबू की जरूरत पेश नहीं आती, खुद चले आते हैं, है ना? कितना जरूरी है पढ़ना हमें? काफी जरूरी है। क्या सिखाती तालीम हमें? मतलब आपको ग्रूम करती है कि आप मतलब तमीज से, वो एक तो आपको रिस्पेक्ट सिखाती है दूसरों की, कि आप रिस्पेक्ट करें, और आपको तमीज सिखाती है कि एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, और आपको एक इस्लाम के तौर पर भी आपको मतलब बोला गया है कि तालीम जरूरी है ना। क्या बात है, माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला कामयाब करे। और रिजल्ट कैसा आ रहे हैं? सब क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा है, सब कह रहे हैं। सब स्लो एक्टिंग है क्योंकि इसमें मतलब कंसंट्रेशन इतनी नहीं है हमारे पास। नहीं जाहिर है यार, ये काम स्लो स्लो ही अच्छा लगता है। ये ज़्यादा हुआ तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सन कहाँ से निकलता है? सन पीछे से, ईस्ट से निकलता है, पीछे से निकलता है। हाँ जी, सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। ईस्ट से निकलता है, वेरी नाइस। कॉमन सेंस क्वेश्चन ब्रो, कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। वो क्या चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती? चीज़ है वो, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है? क्या ऐसी चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती? भाई एक साल पूरा हुआ, चीज़ ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया, काम फंसा गया। है कोई माइंड सेट कुछ आ रहा है कुछ? मतलब ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? कौन सा स्टोर है जहाँ अक्सर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, फ्री मिलती हैं, और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त? आप भी स्टोर है वो कौन सा स्टोर है जहाँ अक्सर चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं? तीन डब्बे वाले, इधर आओ, तीन डब्बे वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ मेरा बेटा, तीन डब्बे इधर आओ मेरा बच्चा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। इधर आओ, तुम आगे आओ, जरा तुमने तीन डब्बा बोला कैसे? यहाँ आओ, माशाल्लाह। क्या नाम है? असर मनान। अरे माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? 8B में। वेरी गुड, बड़े हो गए। तालीम क्या सिखाती है हमें यार? हमारे हर एक बंदे के डिफरेंट गोल्स होते हैं। ठीक। मेरा अपना पर्सनल गोल ये है कि सबसे पहले तो दुनिया और आखिरत, आखिरत की कामयाबी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है, वेरी नाइस। फिर दुनिया की कामयाबी के बारे में बात करें तो फिर उसके बाद में आईटी में जाना चाहूंगा। आईटी में लोग मेजॉरिटी कंप्यूटर के, राइट? वेरी नाइस यार, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है कि आप दुनिया की भी सोचें और आखिरत का भी सोच रहे हैं ना। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। यार ये मैं पूछ रहा था कि सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट। ईस्ट से निकलता है, पक्का ईस्ट से निकलता है? और वो क्या चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती? एक साल मुकम्मल हुआ और ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ का इस्तेमाल एक साल के बाद होता ही नहीं है। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर हुआ, ख़त्म, खलास, वो चीज़ डिस्ट्रॉय। हाँ मिस को आ गया, मिस सर संभाल के रखिएगा। हाँ मुझे पता भाई, जज़ाकअल्लाह। हाँ हाँ बेटा, साल साल, हाँ साल तो है, लेकिन वो चीज़ क्या है वो? अभी पीछे से आवाज़ भी आई मिस की। हाँ हाँ कैलेंडर है, वेरी नाइस। हर साल नया चलता, कहाँ कहाँ होता है ये? क्या चीज़ कैलेंडर इस्तेमाल होता है? ये हर जगह इस्तेमाल होता है। और वो कौन सा स्टोर है जहाँ हर चीज़ मुफ्त मिलती है, तकरीबन मुफ्त मिलती है? स्टोर है वो, और आज के ज़माने में वो स्टोर बहुत कीमती है। स्टोर ये तो कौन सा स्टोर है? स्टोर रूम। हाँ जीनियस, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। आओ भाई, अच्छी बात बोली, स्टोर रूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे? भाई वैसे ही जैसे आप हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, सेट ठीक ठाक, मज़े में। आप बताओ क्या नाम है? अयान मलिक। अयान मलिक, मलिक साहब ठीक हैं? जी वेरी गुड, हो गया। मलिक साहब ने छोड़ा था आज, ये खुद आए थे? वेरी गुड। कौन सी क्लास में? सिक्स में आ गए। यस सिक्स क्लास में, क्या बनाया ये? मुझे तो लग रहा है वो बचपन में हम पर्चियाँ खिला करते थे, चोर सिपाही वाली, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो एक ज़माना था, लेकिन बच्चे ने उसका बादशाह का वजीर। बताओ इनको भी बताया, देखो जरा, बादशाह का वजीर कौन, बताओ कौन? अयान है ना सर, वो तो पर्ची से पता चला। पर्ची, तो आपने पर्चियों को इस्तेमाल किया है? सर मैंने यहाँ पे बुकलेट का इस्तेमाल करा है विंडोज को इंट्रोड्यूस कराने के। अरे नहीं नहीं, क्या है, क्या थोड़ा बताएं जरा। सर यहाँ पे जो है आपको एवोल्यूशन ऑफ विंडोज के बारे में बताएंगे हम। ठीक।
विंडोज 1 आई थी 20 नवंबर 1985 में। उसके बाद हमारे पास विंडोज 2 आई थी 1987 में, विंडोज 3 आई थी 1990 में, विंडोज 3.1 आई थी 1992 में, विंडोज 95 1995 में आई थी, विंडोज 95 का नाम विंडोज 95 इसलिए क्योंकि वो 1995 में आई थी। उससे पहले इसी तरह 1998 विंडोज 98 का भी नाम 98 इसीलिए। और फिर हमारे पास ये विंडोज 2000 आ जाती है यहाँ पे, और ये विंडोज एक्सपी जो कि 2001 पे आई थी, विंडोज विजिटर जो कि 2007 में आई थी, विंडोज 7 जो 2009 में आई थी, विंडोज 8 12 में आई और विंडोज 10 जो है वो 15 में आई। और आपने उसके बाद स्पेस बार सब कुछ बनाया, यार कमाल बनाया यार, कितने दिन में बनाई ये? सर 2 दिन लगे। 2 दिन में तैयार कर लिया, माशाल्लाह यार वेरी गुड। और आपने सब कुछ सारी रिसर्च निकाली हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, यहां पे जो है मैंने हर विंडोज के यहां पे उनके लोगोस भी बनाए। वाह यार, और ये बटन भी बनाया आपने यार। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बच्चे ने जो प्रेस करने वाला मामला है, ये कितना अच्छा लग रहा है कि बकायदा वो प्रेस भी हो रहे हैं। ये जो है ये जो कीबोर्ड के ये जो है ये आपको बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव लुक के लिए मैंने ये बनाया ताकि प्रेस भी। यार मुझे अच्छा लगा यार, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। सर सब बच्चे बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करो, खुश रहो, आबाद रहो। और ये सारे बच्चे मन के सच्चे हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। और हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं यार तुम नहीं पढ़ सकते, नहीं तुम्हें नहीं आता, उस बच्चे को ऐसी बात ना करें। बच्चा जो है वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसी कन्फ्यूजन के बाद फिर वो बहुत सी चीज़ों से पीछे रह जाता है। तो आपने बच्चों को जितना भी किया जैसा भी कर रहा है उसकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि वो आगे तक बढ़े। अच्छा जी, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे फैल्कन ग्रामर स्कूल नॉर्थ कराची में, जहाँ पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। बच्चे मन के सच्चे प्यारे से बच्चे, ये बॉयज़ कैंपस है, उसके सामने जो ही इसी ते में जो है गर्ल्स कैंपस भी है, उन्होंने भी बहुत कुछ बनाया है। वो वाला एपिसोड भी हम रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाएंगे लड़कियों ने क्या क्या बनाया है। लेकिन लड़कों का जो आज एपिसोड था बड़ा स्पेशल था, तो मैंने आज के इस एपिसोड में लड़कों की कामयाबी और चीज़ें और टीचर के साथ मिलकर बहुत कुछ बना डाला है। इस पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बेताबी से इंतज़ार है कि अच्छी सराह मिल जाए तो ज़िंदगी मज़ेदार हो जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। तो जनाब अली, इसी दौरान किए हमने बहुत सारे सवाल, बच्चों ने इस मसरूफियात में रह के दिए अपने जवाब। सवाल ये था कि जनाब वो कौन सा स्टोर है जहाँ पर अक्सर बेशतर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं? तो बहुत से बच्चे घबरा गए, कंफ्यूज थे, लेकिन हो जाता है, थोड़ा सोचना समझना जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का दौर आईटी का दौर है, जैसे मैंने आखिर में बच्चे से पूछा जो कंप्यूटर जिसने नवीं क्लास के बच्चों ने दो वेबसाइट्स बना डाली हैं, और नवीं क्लास के बच्चे इमेजिन करिए, तो जब इन बच्चों को प्रॉपरली जब पढ़ा दिया जाएगा जब यूनिवर्सिटी लेवल पर तो फिर कहाँ जाएंगे। तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और इसी दौरान उन्होंने जवाब दिया जनाब सर प्ले स्टोर है जहाँ पर अक्सर बेशतर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। अगला सवाल मैंने किया जनाब कि वो कौन सी चीज़ें चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो एक साल से ज़्यादा नहीं चलती, यानी वो क्या है चीज़ है जो एक साल से ज़्यादा चलती है? 30-31 दिसंबर हुआ और कहानी ख़त्म हो गई। तो वो कैलेंडर है जिसको इस्तेमाल अब सिर्फ जो है दफातर में ही नज़र आ रहा है, बाकी लोगों के मोबाइल में है, या आप किसी से पूछते हैं भाई आज का तारीख क्या है, अक्सर बेशतर वो भी कन्फ्यूज़ होता है। और फिर मैंने पूछा कि ये जो सूरज होता है ये कहाँ से निकलता है? आया कि बहुत आसान सा सवाल था क्योंकि बच्चे छोटे थे, आसान सवाल किया क्योंकि अक्सर बेशतर कमेंट्स में मुझे ये पता चलता है। बहुत थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में राय का इजहार करते हैं कि अदरवाइज थोड़े से बच्चे छोटे होते हैं थोड़ा सा आसान वाले सवाल कर लिया करें। तो मैंने आसान वाले सवाल कर डाले और मैंने पूछा भाई सन कहाँ से निकलता है? बच्चों ने कहा सर ईस्ट से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, इधर से निकलता है, उधर से निकलता है, पता नहीं कहाँ का। किसी ने कहा था आसमान से निकलता, कहता ऊपर से निकलता है, किसी ने कहा नहा के निकलता है, कोई कहता बारिश से निकलता है। बच्चे प्यारे से बच्चे पूल जैसे बच्चे होते हैं, पूल जैसी बातें करते हैं। तो सिंपल सन नहीं निकलता। बहुत से बच्चों ने बड़ा अच्छे से जवाब दिया, फैलकन के बच्चे नो डाउट बड़े कमाल हैं, और उन्होंने बताया कि सर निकलता नहीं है, रोटेट होता है वर्ल्ड यानी दुनिया, और सन अपनी जगह पर रहता है। सिंपल से इस दौरान हमने सर अहमद से बात की जो CEO है यहाँ पर, उनकी अपनी राय का इजहार किया, हमारी प्रिंसिपल मैडम थी उनसे भी बात की और उनकी भी राय इजहार कराए, इजहार राय हमने लेते रहे जनाब। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बे को दीजिए इजाज़त, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के माना।